मेन पार्ट होम स्टे वाले वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था कि तिब्बती रेस्टोरेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो लीजिए वीडियो आ गया है। मेन पार्ट तिब्बती निवास पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेन पार्ट, और मेन पार्ट में भी कैंप नंबर वन, यहाँ पे 8 कैंप है। तो यहाँ पे कैंप नंबर वन में आए हैं, तो यहाँ पर तिब्बती रेस्टोरेंट है जहाँ पर तिब्बती फूड मिलता है। तो ऐसे तो हम अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ही जो तिब्बती हैं तो उनका रेस्टोरेंट है, वो आप देख सकते हैं तिब्बती रेस्टोरेंट। तो ये मेन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आपको तिब्बती जो डिश है वो मिलेगा, जो तिब्बती जैसे मोमो हैं, मगर वो तिब्बत में जो मिलता है या नेपाल में जो मिलता है उस टाइप का है। तो यहाँ पर पूरा, यानी पता नहीं आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, पर यहाँ पे जो तिब्बती हैं वो उबला खाते हैं, या बाहर के भी जो रहते हैं वो उबला खाते हैं, कोई भी चीज़ तल के नहीं खाते हैं। तो ये मेन्यू है पूरा, आपको मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, ये पूरा मेन्यू है। और यहाँ पर बाहर में जो है यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। साथ में यहाँ खाने के लिए जो तिब्बती डिश है जैसे मोमोस है, चाउमीन है, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो अभी ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो जो है जल्दी आने वाला है, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा लगा आपको। पहले यहाँ पर मरकरी रिसोर्ट था, पर अभी मरकरी रिसोर्ट बंद हो गया है, तो अब जो है यहाँ पर तिब्बती रेस्टोरेंट खुल गया है। तो हमारे साथ जो है कुछ गेस्ट भी हैं जो बाहर रायपुर से घूमने आए हैं, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि एक्साइटेड है कि नहीं, और कभी यह तिब्बती फूड खाए हैं कि नहीं, ये पूछ लेते हैं। हेलो भाई। हेलो। तिब्बती फूड आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं? आप नहीं खाए? नहीं खाए हैं। तो हम लोग खाने के बाद जो है आपसे रिव्यू लेंगे कैसा लगा। पूरा रिव्यू देंगे, हाँ, स्टार रेटिंग के साथ। अच्छा ठीक है, ये चॉइस ठीक है। अभी तक तो मैं ट्राई नहीं किया हूँ अभी तक, पर आज जो है ट्राई करके देखूंगा। हम लोग भी, आप लोग भी, हम लोग भी पहली बार ही ट्राई करेंगे। चलो खा पाते हैं, नहीं खा पाएंगे तो इसके लिए चम्मच है, चम्मच ही खाऊंगा। मुझे लगता है मैं नहीं खा पाऊंगा, इसलिए चम्मच ही है मेरे लिए। तो दोस्तों आ चुका है पूरा डिश। दीदी क्या क्या चीजें हैं बताइए? ये वेज चाउमीन है, हाँ हाँ, और ये पेचे, हाँ, इसमें यहाँ लगा हुआ है ना वही। अच्छा ये लगा है, ये लगा है वही है, और ये वेज मोमो, हाँ, और टिंगमो, टिंगमो ये मैदा का बनता है, हाँ, और उसमें थोड़ा सा बैगन बोरा डाल के उसको। और ये क्या है? ये चटनी है। और ये थुप्पा, नूडल्स थुप्पा, थुप्पा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आ चुका है खाना, वेट नहीं हो रहा है, पहले खाऊंगा उसके बाद बताऊंगा कि कैसा लगा। और सब लोग खाना स्टार्ट कर दिए, तो मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल लग रहा है, इसमें भाजी के साथ खाते हैं, भाजी और चटनी। बहुत तीखा है भाई, और स्टिक देखता हूँ खाते हैं। सब चम्मच से खा रहे हैं, काफी अच्छे हैं। आलू वाले, एक और डिश आ गया है, आलू खाली। पापा को बता दूं, देखो कॉल करो, सपने में सब्जेक्ट में खाया ऊपर बहुत ज़्यादा तीखा है, पर अच्छा लग रहा है, खाते जा रहा हूँ, खाते जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको उबला डिश नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे फ्राइड चाउमीन है, सोया चिल्ली है, फ्राइड राइस है, और मोमोस है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन है कि आप एक बार उबला हुआ डिश ट्राई करें। साथ में यहाँ पर टेंट की भी सुविधा है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर आप मेन पार्ट आते हैं, कम बजट में आप रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, और यहाँ पे आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है लगता है इसका। अच्छा, ये टेंट का रेंज 500, हाँ, इसमें कितने पर्सन रह सकते हैं? दो, तीन, तीन। अच्छा, दो या तीन स्लीपिंग बैग या कुछ ओढ़ने का भी देते हैं? ब्लैंकेट देते हैं, डबल बेड का बड़ा वाला। अच्छा, और गद्दा भी है, सब तकिया। अच्छा, है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक बार। सो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सो अभी खाली है ये, तो यहाँ पर आपको नीचे जो है तकिया मिलता है, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट रहता है, और हाँ हाँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अंदर हम लोग भी जो है यहाँ पे मेन पार्ट में कैंप में ही रहते हैं,
ठंडा बिल्कुल नहीं लगता, और ठंडा लगे तो ब्लैंकेट मांग सकते हैं दीदी से। सो आप आइए और तिब्बती रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाइए। यहाँ का जो डिश है, जो मोमोस है, वो जरूर खाइए। टिंगबो। ओके टिंगबो। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। तो दोस्तों शाम पूरा हो चुका है और अभी हम लोग लंच किए क्योंकि बहुत लेट हो गया था घूमते घूमते। और यहाँ का जो तिब्बती फूड है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, यानी पहली बार खाया पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कई सारे जो डिश है वो सब उबला था तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ उबला खाऊं और आज खाया, वो ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताए कैसा लगा आपको यह वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।